ये पिघल जा रहा है, मैं जल्दी से ट्राई कर लेता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग आ चुके हैं नेचर्स कैफे। सबसे पहले तो आप लोग जाइए और यहाँ का एम्बियंस एंजॉय कीजिए। हम लोग आ चुके हैं आज शोधपुर, तो इसका लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग नेचर्स कैफ़े में ट्राई क्या करने वाले हैं? बेसिकली ये कैफ़े है, तो कैफ़े में जो भी आइटम्स मिलता है वो तो यहाँ मिलेगा ही, साथ में यहाँ कुछ हटके भी मिलता है, जैसे कि वेफल में देख पा रहा हूँ और साथ में डोनट्स भी है। तो हम लोग वेफल और डोनट्स तो आज ट्राई करेंगे ही, साथ में हम लोग क्या ट्राई करेंगे? पिज्ज़ा ट्राई करते हैं। हाँ, तो हम लोग आज पिज्ज़ा भी ट्राई करेंगे, वेफल ट्राई करेंगे और साथ में डोनट्स ट्राई करेंगे। अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं कॉर्न चिकन पिज़्ज़ा। तो आप लोग पहले साइज़ देख लो, और हम लोगों ने ऑर्डर किया है स्मॉल साइज़। यहाँ पे मिलता है 4 पीस और इसका रेट है 149। साथ में लार्ज पिज़्ज़ा भी मिलता है और वहाँ पर मिलेगा 6 पीस और उसका रेट है 199। पर हम लोगों ने स्मॉल पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है क्योंकि हम लोग 2 जने हैं, ये आराम से इवनिंग स्नैक्स भी हो जाएगा। तो चलिए अभी टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा ओरेगानो, साथ में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो चलिए अभी टेस्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा इस पिज़्ज़ा का थिकनेस देखिए, थिकनेस भी बहुत अच्छा खासा है। आप चीज़ का लेयर भी देखिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। फ्रेंड्स, बारिश का मौसम है और इस बारिश में पिज़्ज़ा खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। जो लोग पिज़्ज़ा लवर हो तो वो लोग यहाँ पर ज़रूर आकर ट्राई करना, क्योंकि ये पिज़्ज़ा का बेस भी बहुत अच्छा है, बहुत सारा कॉर्न भी दिया है, विद इन चिकन भी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक बात बताए तो यहाँ पर जो पिज़्ज़ा मिलता है, आई मीन जो पिज़्ज़ा बेस है, यहाँ पर मैम खुद बनाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में रेस्टोरेंट में बाहर से लाते हैं, पर यहाँ मैम खुद बनाती है। जैसे कि मैंने बोला, ये पिज़्ज़ा बेस बहुत ही सॉफ्ट है। आप लोग भी यहाँ पर आकर नेचर्स कैफ़े में ज़रूर ये पिज़्ज़ा ट्राई करना। और फिलहाल तो एक मैं इमोन को देती हूँ, वो भी ट्राई करके देखे कि सच में ये सॉफ्ट है। और बाकी वेफल्स और डोनट इमन ट्राई करके बताएगा। तो चलिए, पूजा ने तो आप लोगों को ट्राई करके बता दिया कि पिज़्ज़ा का टेस्ट कैसा है, और पिज़्ज़ा मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी ट्राई करता हूँ मैं ये वेफल, आप लोग एक बार देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है। ये पिघल जा रहा है, मैं जल्दी से ट्राई कर लेता हूँ। सॉफ्ट, क्रंची, हमारे चैनल में हम लोगों ने तो पहले कभी भी वेफल आप लोगों को शो नहीं किया था। हाँ, हम लोगों ने आइसक्रीम ट्राई किया था, वेफर्स भी ट्राई किया था, लेकिन वेफल आज हम लोग पहली बार ट्राई कर रहे हैं। आप लोग को बता दें, इसके अंदर मिल्क चॉकलेट का यूज़ किया गया है। तो अभी तो मैं ट्राई करने वाला हूँ ये डोनट, और ये डोनट में यूज़ हुआ है वाइट चॉकलेट, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। और हाँ, आप लोगों को मैं प्राइस भी बता दूँ सबसे पहले, ये जो डिलीशियस चॉकलेट वेफल आप लोग देख रहे हो ना, इसका प्राइस है ओनली ₹69। कैन यू बिलीव दैट? और आपको अगर वो ये बिलीव नहीं हुआ, ये तो आपको और भी बिलीव नहीं होगा, क्योंकि इसका प्राइस है ओनली ₹49 में। आप लोग देखिए, 49 में ये वाइट चॉकलेट डोनट। और एक बात आप लोग को मैं बता दूँ, यहाँ सेटिंग अरेंजमेंट बाहर भी है और अंदर भी है। हम लोग अंदर ही ट्राई कर रहे हैं क्योंकि बाहर थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा है, तो हम लोग अंदर ही ट्राई कर रहे हैं। अभी मैं इसे ट्राई करके बताता हूँ। ये है रेनबो डोनट।
मुझे तो बचपन से ही वाइट चॉकलेट ज़्यादा पसंद था, और जो मिल्की बार एक आता था ना, अभी भी आता है, लेकिन जो पहले मिल्की बार एक आता था ना, वो मेरा सबसे फेवरेट था बचपन में। और इस डोनट के बारे में आप लोग को मैं क्या बताऊँ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए आप लोग एक बार, मैं इस वाइट चॉकलेट को ट्राई करने वाला हूँ अभी। मुझे तो ये दोनों ही पसंद आया, डेजर्ट्स और ये डोनट जो है ना, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये एक मैं और ऑर्डर करने वाला हूँ अपने लिए। तो आप लोग को मैं एक बात बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ जो प्लेट्स यूज़ होता है ना, ये बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स है, क्योंकि इस कैफ़े का नाम ही है नेचर्स कैफ़े। यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता है। और इसी के साथ आज का वीडियो यही एंड होता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। It's not a game, it's a